दोस्तों अगर आपके पास MI का कोई भी फोन हो, चाहे वो MI 10i हो या फिर Redmi का कोई भी फोन हो, चाहे Redmi Note 10 Pro हो, Redmi Note 10 हो या Redmi Note 10 Pro Max हो, या फिर Redmi Note 9 का कोई सीरीज हो, Redmi Note 8 का कोई भी सीरीज हो, या फिर आपके पास POCO का कोई भी फोन हो, लेटेस्ट फोन जो X3 Pro है वो है या X3 है या X2 है या M3 है, M3 Pro है, तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास Xiaomi का कोई भी फोन है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस वीडियो में बताई गई सारे टेक्निक को अगर आप यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका फोन जो है वो काफी हल्का हो गया है। हल्का का मतलब ये है कि आपके MI के फोन से जितने भी एड्स थे वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है MI यूजर्स के साथ कि वो फोन खरीदते हैं, उनके साथ बहुत सारा ब्लोटवेयर भी आता है, बहुत सारा एड भी आता है, जिससे ऑब्वियसली वो परेशान तो रहते हैं। तो आपकी उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है, ताकि आप बताए गए सारे ट्रिक्स को फॉलो करें और अपने मोबाइल से एड्स को बिल्कुल गायब कर दें। इससे डेफिनेटली आपका फोन न सिर्फ फास्ट हो जाएगा बल्कि कि आपका बैटरी लाइफ भी बढ़ेगा और आपके प्राइवेसी पे जितने भी खतरा थे वो सारे खत्म हो जाएंगे और अनडाउटेडली आपका मोबाइल और भी ज्यादा सिक्योर होके निकलेगा। तो बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है और बता गए सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ बिल्कुल ही ब्रांड न्यू वीडियो, जिसमें हम आज बताएंगे कि Xiaomi के फोन से कैसे एड्स को यानी कि एडवर्टीजमेंट्स को आप गायब कर सकते हैं। और ऑब्वियसली MI ने बिल्कुल सामने परोस कर दिया नहीं है कि आप आएं और उसके एड को गायब कर दें। आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो इस वीडियो में मैंने बताए हैं, उसको फॉलो करने होंगे और एंड ऑफ द डे सारे के सारे एड्स जो हैं वो गायब हो जाएंगे। दोस्तों ये सब बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आप हमारे ऐसे ऐसे नए नए मजेदार वीडियोस का आनंद सबसे पहले उठा सकें जैसे ही हम नए वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले ट्रिक की तरफ। तो इसके लिए हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, पासवर्ड्स एंड सिक्योरिटी में इसके अंदर जाएंगे, इसमें भी हम लोग नीचे जाएंगे और देखेंगे ऑथोराइजेशन एंड रिवोकेशन का फैसिलिटी आपको मिल जाता है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आपको MSA नाम का एक ऐप मिल जाता है जो इनेबल्ड है, इसको आप तुरंत से डिसेबल कर देंगे। ये रिवोक करने के लिए 10 सेकंड लेगा, आपको 10 सेकंड का वेट करना होगा और 10 सेकंड बाद आप इस रिवोक बटन को दबा देंगे और ये रिवोक बटन आ गया है, इसको मैं दबा दूंगा और आप देख सकते हैं रिवोकिंग ऑथराइजेशन सक्सेसफुली ये आपको बता देता है। तो आपका 40% काम तो दोस्तों अपने मोबाइल में आपने अभी ही कर लिया इस MSA को डिसेबल करके। अब हम लोग बैक जाएंगे, इसी के ठीक ऊपर प्राइवेसी है इसके अंदर जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे और आप देखेंगे कि आपको एड सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर पर्सनलाइज्ड एड्स रिकमेंडेशन को आप ऑफ कर देंगे। और जैसे ही आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपका 20% काम यहीं से हो जाता है, यानी 60% काम तो आपने अपने मोबाइल का अब तक कर लिया है। अब बैक जाएंगे, इसके ऊपर आप दो ऑप्शन और देख रहे हैं, एनरोल इन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम, इसको डिसेबल कर देंगे और सेंड डायग्नोस्टिक डेटा ऑटोमेटिकली, इसको भी डिसेबल कर देंगे और 10% काम आपका और हो जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे विद इन मिनट्स आपने अपना 60% एड अपने Xiaomi मोबाइल का डिसेबल कर चुके हैं, है ना? बहुत आसान दोस्तों, आपको पता नहीं था तो आप समझते थे कि एड आपके लिए कितना मुश्किल है, हमेशा एड आता था जो अनोइंग होता था, आपके प्राइवेसी पे भी खतरा था और आपके मोबाइल को स्लो भी करता था। और 2 मिनट के अंदर आपने देखा कि आपने अपने मोबाइल के 60% एड को गायब कर दिया है। अब 40% एड भी अभी गायब होगा दोस्तों, बस चंद मिनटों की बात है। और अगर हमारा ये वीडियो अभी तक आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों, हमारा ये एफर्ट आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन हिडन फीचर्स का फायदा उठा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ दोस्तों। तो सिक्योरिटी ऐप आपको हर Xiaomi के डिवाइस में मिलता है, चाहे वो आपका POCO हो, Redmi हो या MI हो, इसको आपको खोल लेना है और ये स्कैन करेगा। ये अच्छी बात है, ये ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये ऐप एक्चुअली आपके फायदे के लिए है। मगर इस ऐप के सेटिंग्स में जब आप जाएंगे और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको रिसीव रिकमेंडेशंस का टॉगल मिलता है जो हमेशा इनेबल रहेगा, इसको तुरंत से आपको डिसेबल कर लेना है। और दोस्तों ये रिसीव रिकमेंडेशंस बेसिकली MI के हर ऐप में होता है, तो आपको इंडिविजुअली हर ऐप में जाकर ये काम करना होगा, चाहे वो क्लीनर हो। अगर आप क्लीनर के अंदर जाएंगे आप देख सकते हैं आपको क्लीनर का सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, इसमें भी अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे रिसीव रिकमेंडेशन है, इसको भी आपको ऑफ कर लेना है। फिर से बैक जाएंगे दोस्तों, इस बार आप सिक्योरिटी स्कैन में जाएंगे और अगेन इसके सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे पेमिंग मॉनिटरिंग का ऑप्शन जो है वो इनेबल्ड है, इसको आप तुरंत से डिसेबल कर लेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी पेमेंट को ये मॉनिटर करे। क्योंकि जो भी पेमेंट गेटवे या पेमेंट ऐप आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो किसी बैंक का अपना ऐप हो, वो पहले से ही काफी सिक्योर्ड होता है, तो उसको मॉनिटर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ मॉनिटरिंग करने
का मतलब है कि आप अपना डेटा एमआई के साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि आपके प्राइवेसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बैक जाएंगे, इस बार हम लोग डीप क्लीन में जाएंगे। अगेन ये थ्री डॉट्स के मेनू में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आएंगे तो रिसीव रिकमेंडेशन का ऑप्शन आपको फिर से इनेबल मिलता है। इस ऐप में भी आप इसको डिसेबल कर देंगे। फिर से बैक जाएंगे, इस बार अगर आप नीचे आएंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि आपको डेटा यूसेज का एक ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे, इसके भी हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट डेटा यूसेज इन्फो। आखिर आपको अपने डेटा का रिपोर्ट क्यों करना है, अपने यूसेज को क्यों शेयर करना है एमआई के साथ? इमीडिएटली इसको ऑफ कर देंगे। आपके प्राइवेसी के लिए अगेन ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। कोई भी डेटा आप क्यों शेयर करना चाहेंगे किसी के साथ, आप उस डेटा को खुद एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं वो आपके लिए कितना सही है कितना गलत है। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, इस बार हम लोग प्राइवेसी में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके परमिशन है वो यहाँ पर लिस्टेड है, चाहे वो लोकेशन हो, कॉन्टैक्ट हो, कॉल लॉग हो, माइक्रोफोन हो, ऑल परमिशन अगर आप देखना चाहते हैं तो सारे के सारे परमिशन आपको यहाँ पर लिस्टेड हो जाते हैं। और उन परमिशंस को कौन कौन सा ऐप एक्सेस कर रहा है वो भी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। जैसे 27 ऐप में से 5 ऐप को कैमरा का परमिशन मिला हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से वो ऐप्स हैं जिनको सारा परमिशन मिला हुआ है और कौन कौन सा ऐप है जिनको परमिशन नहीं मिला हुआ है, यानी अलाउड और डिनाइड दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों फोन जो है उसको कैमरा का परमिशन क्यों चाहिए? अगर आपको लगता है कि नहीं इसको नहीं चाहिए तो बस आपको टच कर देना है, डिनाई कर देना है, डिनाई एनीवे कर देना है, बैक जाना है और आप देख सकते हैं ये डिनाइड हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको हर परमिशन के लिए आपको एक एक परमिशन के अंदर जाना, और बहुत ज्यादा परमिशन नहीं दोस्तों, आप गिन कर देख सकते हैं 10 से 11 परमिशन है जो क्रिटिकल है। आपको इन सारे परमिशन के अंदर जाना और एक बार सिर्फ एक घंटे आधे घंटे में डिसाइड कर लेना है कि कौन कौन सा परमिशन जो है वो सही दिया हुआ है, कौन कौन सा परमिशन जो है वो गलत दिया हुआ है। बस आप इतना कर लीजिए और विश्वास मानिए इस आधे घंटे के एक्टिविटी से आपका एक साल का काम आसान हो जाएगा। जब कोई भी परमिशन अननेसेसरली किसी को नहीं दिया जाएगा और वो आपके प्राइवेसी पे किसी भी तरह का खतरा नहीं बन सकता और आपका मोबाइल भी फास्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग कुछ इंडिविजुअल एप्स को देख लेते हैं जिसमें आपको हमेशा एड्स आते हैं और जो बहुत अनॉयड होते हैं। जैसे ये म्यूजिक ऐप है, इसमें हम लोग ये 3 लाइन के मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे और इसमें अगर हम लोग नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि शो एड्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको तुरंत से डिसेबल कर लेना है। शो ऑनलाइन रिकमेंडेशन ऑन स्टार्टअप, इसको भी डिसेबल कर लेना है और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन है, इसको भी डिसेबल कर लेना है। बस आपको ये 3 डिसेबल कर लेना है इस ऐप में और आपका काम खत्म। अब हम लोग थीम्स ऐप में जाएंगे, इसके बाद आपको प्रोफाइल में जाना है या आपके मोबाइल में माई पेज होगा इसके अंदर जाना है। इसके बाद हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शो एड्स है, इसको डिसेबल कर लेना है। पर्सनलाइज रिकमेंडेशन है, इसको डिसेबल कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं तो दोस्तों आपको किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है और जब फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोमोटेड ऐप्स का यहाँ पर ऑप्शन आया था, तो यहाँ पर भी आपको एड्स देखने को मिलते हैं। तो उसको डिसेबल करना हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए आप फोल्डर के नाम पर टाइप करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं छुपा हुआ यहाँ पर बिल्कुल एमआई ने आपको ऑप्शन दिया है प्रोमोटेड ऐप्स का, इसको भी आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है। एक्चुअली एमआई बहुत ही समझदार कंपनी है दोस्तों, वो इतना घुसा के अंदर में देता है एड का परमिशन कि आपको पता भी नहीं चलता और हम लोग तो इनोसेंट है, हम लोग तो उसको कभी डिसेबल करते भी नहीं है। मगर मैं खोद कर अंदर जाकर इसको डिसेबल करवाऊंगा दोस्तों, ताकि आपका मोबाइल बिल्कुल एड फ्री हो जाए और कहीं ऐसा ना हो एमआई कंपनी कल मुझे फोन कर दे कि बेटा तुम तो गए। अब हम लोग बैक जाएंगे दोस्तों और जब बैक जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड्स का ऐप है दोस्तों, इसके अंदर भी हम लोग जाएंगे और यहाँ भी जब हम देखेंगे 3 डॉट्स का मेनू है, इसके अंदर हम लोग जाएंगे, इसमें भी सेटिंग्स है, इसमें भी जाएंगे और यहाँ भी आप देख सकते हैं शो रिकमेंडेड कंटेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, इसको भी आप यहाँ से डिसेबल कर दीजिए, ओके कर दीजिए। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, बूस्ट स्पीड के ऐप में जाएंगे, स्क्रीन नाउ ऑप्शन में जाएंगे, अगेन यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे और नीचे आएंगे तो देखेंगे रिसीव रिकमेंडेशन का ऑप्शन है, इसको भी यहाँ से डिसेबल कर देंगे। अब दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पर कोई भी एक ऐप, छोटा सा ऐप ले लेता हूँ फ्लिपकार्ट, इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो आप जानते हैं कि जब ये इंस्टॉल कर रहा होता है, इंस्टॉल करने के बाद ये अपना एक पेज देता है जो चेक करता है कि ये ऐप सही है गलत है, बैकग्राउंड में काफी इंफॉर्मेशन ये लेता है और मैं इसी पेज की बात कर रहा था दोस्तों। ये चेक करता है यानी स्कैन करता है इस ऐप को, यहाँ पर भी एड वो देता है दोस्तों, जैसे अभी ये नहीं दे रहा है बट ये देता है और बहुत सारे यूजर्स को ये अनोइंग लगता है। इनफैक्ट ये पेज ही अनोइंग है, बट चलिए ठीक है, एमआई का अपना इंटरनल फंक्शनैलिटी है, इस पर हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट एड देखना नहीं देखना ये आपका चॉइस होना चाहिए, ना कि आपका कंपल्शन होना चाहिए। तो अगेन आप इस सेटिंग्स के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसीव रिकमेंडेशन का ऑप्शन है, इसको भी आप डिसेबल कर दीजिए, बैक जाइए। अब आप जो भी ऐप इंस्टॉल करेंगे वो इंस्टॉल होकर इस पेज में आएगा, बट यहाँ पर आप कभी एड्स नहीं देखेंगे। अब दोस्तों ये जो मैं फीचर बताने जा रहा हूँ ये आपके प्राइवेसी से रिलेटेड है, एड्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, मगर इसका प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको गौर करना चाहिए। जैसे ही आप गैलरी में जाएंगे, 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सिक्योर शेयरिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको अंदर जाना है और इस दोनों को इनेबल कर देना है। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, जब भी आप अपना फोटो शेयर करते हैं किसी के साथ भी तो वो आपका लोकेशन भी शेयर कर देता है बाय डिफॉल्ट, तो यहां से वो शेयर आप नहीं कर पाएंगे और मेटा डेटा भी साथ में उस फोटो के चला जाता है, जैसे
कैमरा का इन्फॉर्मेशन हुआ, सारा डिटेल्स होता है आपके फोटो का, वो भी उस फोटो के साथ आपके रेसिपिएंट के साथ शेयर नहीं होगा। तो ये आपके प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप लोकेशन और कोई भी मेटा डेटा क्यों शेयर करना चाहेंगे। आप सिर्फ फोटो शेयर करना चाहते थे और वही आपने शेयर किया। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे आप अपने Xiaomi के फोन से, चाहे वो MI हो, Redmi हो या POCO हो, उससे सारे एड्स को रिमूव कर सकते हैं। आपका मोबाइल बिल्कुल एड फ्री हो जाएगा, जो ना सिर्फ आपके बैटरी का लाइफ को बढ़ाएगा बल्कि आपके प्राइवेसी को भी काफी सिक्योर करेगा और आपका मोबाइल का जो स्पीड है वो भी काफी एनहांस हो जाता है। आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा दोस्तों जिससे आपका एड जो है वो रिमूव हुआ, उसको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को लाइक किए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने MI के फोन से, Redmi के फोन से, POCO के फोन से सारे एड्स को हटा सकें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही था दोस्तों। हमें बहुत उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जानते हैं कि आपको अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।